ना हमारा खाना पीना हो चुका है और हमजा और महफूज दोनों भी खेल रहे हैं। तो गाइज हमजा कुछ सुधरने नहीं दे रहा है, तो हम लोग ये लड़के को आ रही है चक्कर। तो हम लोग यहाँ पर बैक रोड पे गाड़ी रुका के बैठ गए, हम लोग चारों भी पानी भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शिफा एंड छोटू। सो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि आपको डिस्क्रिप्शन में देख के पता ही चल गया होगा, आज हम लोग जा रहे हैं अक्सा। आप लोग सोचते होंगे लोग यही घूमते हैं, हाँ हम लोग यही घूमते हैं क्योंकि जाने का इधर मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमजा भी छोटा है उसको ज्यादा। लेकिन शाम में जाएंगे, जा जाएंगे वो भी बता देंगे हम लोग कहाँ जाएंगे शाम में। अभी हमजा को लेके हम लोग जा रहे हैं अक्सा, क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत मजा आती है, रेती में खेलता है ना तो बहुत मजा आती है। उसी का तो दिन है अभी घूमने के। तो गाइज उसको लेके जा रहे हैं घूमने के लिए और शाम में भी जाने वाले ना किधर। शाम में भी हम लोग किधर जाने वाले हैं, लेकिन हमजा को छोड़ के जाएंगे उस जगह पे, तो वो आप लोग को बता देंगे। सो गाइज चलो चलते हैं नीचे, ये भी तैयार हो गए, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, तो चलो चलते हैं। इसलिए ना मेरे दुपट्टे के पीछे पीछे छुपते जा रहे हैं, यहाँ पर मैं आगे थी लेकिन ट्रैफिक हो गई है, निकल जाएंगे। सो गाइस चलो चलते हैं अक्सा। सो गाइस यहाँ पर हम लोग के साथ एक सीन हो गया, एक्चुअली हम लोग जा रहे थे अक्सा, अभी हम लोग रिटर्न हो गए मारवे के लिए, टर्न मुड़ा लिए क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है, मतलब वहाँ आगे से टर्न मुड़ा है हम लोग ने, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है क्योंकि यहाँ पर है ना ये सब रोड बन रहा है पूरा, और आने जाने की जगह एकदम छोटी सी बची हुई है, तो ना बहुत ट्रैफिक हो रही थी और जाने के लिए हम लोग कम से कम आधा घंटा लगता था। एक के पीछे एक गाड़ी चल रही है ऐसी जगह है, आगे तो और ज़्यादा ट्रैफिक हो गई थी, दिखा नहीं पाए हम लोग, इसलिए हम लोग ने टर्न मुड़ा लिया, सोचे चलो जा तो मारवे ही चले जाते, इतना दिल था यार वो मांग से जाने में। देखो ना यार गाइस ये ट्रैफिक की वजह से ना हम लोग रिटर्न हो गए, तो इतना दिल था मेरा जाने का यार अक्सा, वो मैं क्या करूँ। हाँ बोलो, शाम में जल्दी जाने का भी है ना, दूसरी तरफ भी जाने का। वो तो है। सो गाइस चलो चलते हैं मारवे, मूड बहुत ख़राब हो गया मेरा। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मारवे और यहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, और हमजा को यहाँ पर कौवे देखने गए, तो इन लोग आगे आ गए हैं। हमजा हाय बोलो, हाय करो, ऐसा नहीं हाय, इधर देख के सलाम भी कर दो, मम्मा सलाम करो इधर देखो, अरे वाह वालेकुम अस्सलाम। चलो ना कुछ खाते, मम्मा बहुत जोर की भूख लग रही है यार। गाइज मैं उठी हूँ ना जब से, ना मैंने नाश्ता करी हूँ ना मैंने कुछ खाई हूँ, हमजा ने भी शायद कुछ ही नहीं खाया, मतलब थोड़ा सी खाया था उसने भी कुछ नहीं खाया, ये तो नाश्ता करे ले। कुछ पागल नहीं हो गए? हाँ पागल हो गए मम्मी। हम लोग अक्सा भी जा सकते थे लेकिन हम लोग को सामने 7 बजे किधर और जाना, बस ना कितनी बार बोलेंगे किधर और जाने का, किधर और जाना, ऐसा लग रहा है खाली तुम ही एक्साइटेड है जाने के लिए। तो मैं नहीं, जो मेरे साथ वाला है ना उसको मेरे को देखने का है, तो इसके लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं। वो फाइनली हम लोग की भेल आ चुकी है और महफूज ले लिए हैं सेव पूरी, और ये तो आते बराबर खाना भी चालू कर दिया, अच्छी है। सो गाइस चलो भेल आ गई है, पहले भेल खा लेते हैं उसके बाद में मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना पीना हो चुका है और हमजा और महफूज दोनों भी खेल रहे हैं। इसको कितनी मजा आती है माशाल्लाह। गाइस पहले ना हमजा है ना रेती से बहुत डरता था, अभी उसको इतनी मजा आती है ना रेती में खेलने के लिए कि सिर्फ रेती में ही बैठता है ये लड़का। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या है? अच्छा हमजा
हमजा चले जा रहे हम लोग। हमजा जब आए कितना मगन है, देखो कितना मगन है वो। हमजा कुछ सुधरने नहीं दे रहा है तो हम लोग इसको अभी लेके जा रहे हैं घर पे, मतलब घर पे नहीं, थोड़ा घूमते फिरते ही जाएंगे। तो महफूज ने उठा लिया उसको गोद में, क्योंकि बोले कि ये बहुत परेशान कर रहा है, बोले चल। और उनकी वाइट टी शर्ट भी पूरी गंदी कर रहा है। सो गाइस चलो चलते हैं, देखते क्या होता है आगे 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 आगे, देखो होता है क्या। दोनों में बाप बेटे पागल हो जाते। हमजा क्या था मम्मा? चिड़िया का है। चिड़िया हमजा, हमजा चिड़िया का है। चिड़िया का है मम्मा, चिड़िया का है। तो बहुत ज्यादा ही नाटक करने लग गया है हमजा, तो एक्टिंग करता है। सो गाइज फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ऑटोमैन कैफे जाने के लिए, मतलब कैफे जा रहे हैं हम लोग। सोच रहे कि जाके थोड़ा पिज्जा विज्जा खा ले, थोड़ा घूम फिर ले। हम लोग ने हमजा को छोड़ के आए घर पे, क्योंकि हमजा थोड़ा पापा के साथ जाने के लिए रो रहा था, तो हम लोग ने उसको वहीं पर ही छोड़ दिए। सो गाइज हम लोग के साथ और दो जन है हो रहे हैं कितना लेट हो गया। कब से निकले अपन? मैं 7 बजे से निकलेगा 8 बजे से निकले लो, अभी देखो क्या टाइम हो रहा है। बता दो, इन लोग की वजह से, इन लोग दोनों की वजह से बहुत ज्यादा लेट हो गया हम लोग को। हम लोग के साथ हो चुका है एक और एक कारण हम लोग को जाने का था किधर और यहाँ पर छोटू ने सब चौपट कर दिया। ये लड़के को आ रही है चक्कर। तो हम लोग यहाँ पर बैक रोड पे गाड़ी रुका के बैठ गए, हम लोग चारों भी पानी भी पिलाए तो भी सही है क्या नहीं अभी? हाँ गाइज, ये जो प्लान चौपट करता है ना वो ये लड़का है, ये हाँ जाएंगे आ जाएंगे पाले। चलो सही हो गए, अभी जान दो अपना है ना, अपनी बोलते ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अपनी दौड़ इन ऑर्बिट तक ही। चलो इन ऑर्बिट जाते इतना 5 मिनट। हाँ नहीं नहीं 5 मिनट 10 मिनट नहीं, इन ऑर्बिट जाएंगे ना। मैं कहाँ जाएंगे वहाँ इन ऑर्बिट जाएंगे बस सुन लिए। चलो गाइस चलते हैं नॉर्वे। गाइस फाइनली वी आर बैक होम और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे आ चुके हैं। और गाइस हम लोग इन ऑर्बिट इधर उधर किधर भी नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि महफूज को अर्जेंट घर पे ही लाना पड़ा। वो ठीक नहीं हुए थे, खाली बोल रहे थे कि हाँ मैं ठीक हूँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हुए नहीं थे। मुझे अर्जेंट मेरे भाई को बुलाना पड़ा, फिर उन लोग ने आके फिर हम लोग को लेके गए। फिर घर पे आने के बाद और हालत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग को फिर अर्जेंट फिर से हॉस्पिटल भागना पड़ा। फिर हम लोग गए हॉस्पिटल और इनको लेके गए आईसीयू में, क्योंकि हालत नहीं थी वैसी, तो आईसीयू में लेके गए। फिर ईसीजी वगैरह किए, बीपी चेक करे, हार्ट बीट चेक करे, सब चीज़ नॉर्मल थी, लेकिन इनकी एसिडिटी लेवल जो था वो ज़्यादा हाई हो गया था, इसकी वजह से इनको घबराहट हो रही थी और चक्कर जैसा लग रहा था। और उससे ज़्यादा तो ये डर गए थे, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हुआ है और ऐसा आगे कभी ना हो। तो गाइस इस वजह से हम लोग फिर रिटर्न घर पे आ गए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एक दो इंजेक्शन से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया और दवाई लेके फिर हम लोग घर पे आ गए। सो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। और हम लोग इस वजह से शेयर कर रहे हैं क्योंकि जैसे भी जितने भी सब्सक्राइबर है, मतलब उसका तो वो नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे तो हम लोग के सब्सक्राइबर बढ़ भी जाएंगे। तो इसीलिए बताने की कोशिश करें क्योंकि है जितने भी सब्सक्राइबर है एटलीस्ट हम लोग का व्लॉग देखते तो है, तो इसीलिए उन लोग को हम लोग ने ये सब सिचुएशन बताया। सो गाइज अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो फिर से एक बार लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। लव यू, अल्लाह हाफिज़।